नमस्कार दोस्तों मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है माननीय मोदी जी के द्वारा आज दो वंदे भारत भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि दो वंदे भारत एक साथ रवाना की गई जो कि है आपका मुंबई से सोलापुर और साथ ही मुंबई से साई नगर सिर्डी तो चलिए आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि क्यों थूल घाट जो कि कतपुरी कसारा मुंबई के पास में है क्यों ये खास है और क्यों खुश हुआ गया क्यों सेलिब्रेट किया गया कि आपका वंदे भारत यहाँ पर आराम से चढ़ाई कर ली देखिए सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि जो इकतपुरी की मीन सी लेवल है चलिए वीडियो में हम उसको शेयर करते हैं इस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं ये वाला ब्रिज कि यह आपका कसारा से इकतपुरी के बीच में है सबसे पहले हमें स्लोप को समझना पड़ेगा कोई भी रोड हो गया रेलवे ट्रैक हो गया उसमें स्लोप कुछ इस तरीके से काम करता है मान लीजिए मैंने ये बनाया ये मान लीजिए ये थर्टी मीटर है और जो चढ़ रहा है उसकी चढ़ाई समझ लीजिए इस पॉइंट से थर्टी सेवन मीटर के बाद ये वन मीटर बन गया तो इसका मतलब ये हो गया वन इज टू थर्टी सेवन का स्लोप यानी कि थर्टी सेवन मीटर हम मूव करते हैं तो हम वन मीटर की चढ़ाई करते हैं या फिर समझ लीजिए उतरते हैं उस तरफ तो ये जो इसको हम लोग स्लोप से समझते हैं ये वन इज टू थर्टी सेवन का मतलब रेलवे ट्रैक के लिए रोड के लिए इस्तेमाल होता है और रेलवे ट्रैक के लिए यह बहुत स्ट्रिप वैल्यू है मतलब अपने आप में इंडिया का एक ऐसा स्लोप है ये जो टिपिकल स्लोप है इसके बाद अगर हम देखा जाए मतलब ब्रॉड गेज की बात कर रहा हूँ मीटर गेज में आपका दार्जिलिंग के पास में है लेकिन यहाँ पर आपको वन एस टू थर्टी सेवन का देखने को मिलता है जिससे होता क्या है जिससे होता ये है कि जो ट्रेन होती हैं उनमें आपका ये बैंकर लोकोमेटो इस्तेमाल होते हैं मतलब मैंने कई बार देखा है कि कई लंबी गाड़ियों लंबी दूरी की गाड़ियों में पीछे से इंजन लगा दिया जाता है या फिर समझ लीजिए आगे डबल इंजन लगते हैं और पीछे भी लगाना पड़ता है क्योंकि क्या होता है कि कई बार क्या होता है पीछे से उसको आपको पीछे से धकेलना पड़ता है तो ये सब सारी चीज़ें होती है तो जिस वजह से बैंकर लोकोमिटी का इस्तेमाल होता है और ये जो आपका वंदे भारत एक्सप्रेस है ये हालांकि लोनावला घाट का वीडियो है या इमेज आप देख पा रहे हैं तो उसी तरीके से इकतपुरी घाट में इजीली आपकी चढ़ गई और उतर भी गई बिना विदाउट एनी बैंकर इंजन बैंकर लोकोमेटिव तो जिस वजह से इसीलिए तारीफ की जा रही है कि इसमें अच्छा पावर है अब हम लोग सबसे पहले कुछ फुटेज कुछ इमेज शेयर कर लेते हैं ये देखिए ये आपको कसारा से कतपुरी के बीच का सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा ये तीन रेलवे ट्रैक है आपको ये सब दिखाई दे रहा होगा उसी तरीके से ये कुछ पोर्शन दिखा जा रहा है इसको बैंकर कहते हैं बैंकर मतलब इन द सेंस कि देखिए कितना ज़्यादा स्लोप है इसमें कोई ट्रेने नहीं चलती एक बात सुन लीजिए एक बार देख लीजिए अच्छे से कि इसमें कोई ट्रेनिंग इसलिए नहीं चलती है कि कई बार क्या होता है कि इस टाइप के घाटी सेक्शन में ब्रेक फेल हो गया कुछ कारण से इंजन काम नहीं किया तो अचानक से इतना स्लोप प्रोवाइड किया जाता है बहुत देखिए टिपिकल है कि गाड़ी खुद ब खुद जाके रुक जाए तो ये आपका भोपाल मिड घाट सेक्शन में भी है बहुत सारी जगहों पर है ये तो ये होता है इसको बनाया जाता है इस तरीके से क्योंकि चांसेस क्या होते हैं इसी टाइप के रीज़न में आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं हो सकता है ब्रेक वैक्यूम ब्रेक काम ना करे घाट सेक्शन है या बहुत सारी चीज़ें आ जाए तो इस तरीके से आपका इसलिए ख़ास है आपका ये वाला सेक्शन और मैंने आपको स्लोप के बारे में भी बता दिया आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा रेलवे टाइम टेबल जो वंदे भारत का आया है दोनों रूट के लिए मैंने ऑलरेडी बनाया है डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा तो उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद